हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आपके लिए न्यू वीडियो लेके फिर हाजिर हो चुका हूँ। मास्टर बेडरूम के बारे में बताऊंगा, इसमें स्लेटिंग अलमारी और डबल बेड कैसे बनाना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे क्या साइज का रखा हुआ है सब कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, ये आपका बेडरूम होने वाला है। बेडरूम का साइज 12x14 का होने वाला है। बेडरूम में जो काम हुआ है, ये हमारा डबल बेड है, ये हाइड्रोलिक बेड है। पीछे आपको जो मिली है फुल कुशन मिलने वाले, ऊपर लोअर का काम हुआ है और दोनों साइड में सेफ्टी टेबल है। इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाले हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा बेड का साइज है। साइज 6x6 फीट है, सॉरी भाई कितना, बेड का साइज जो होने वाला है 72x78 का साइज होने वाला है। इसके ऊपर 8 इंच का गद्दा आ जाएगा। जो आप बात करते हैं बॉर्डर, हमारा यहाँ से 3 इंच का रखा हुआ है। बेड की हमारी हाइट यहाँ से 18 इंच हुई हुई है। इसमें ग्रे और वाइट का इस्तेमाल किया हुआ है और अंदर वो लेमिनेट का इस्तेमाल किया हुआ है। अंदर जो आने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान आने वाला है। हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं 200 kg के, इस तरीके से आप बना सकते हो। अंदर फुल सामान आ जाएगा, जो बेड की जो गहराई रखी हुई है यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा इसमें। जो आपको ये लगाने की और ये मतलब पूरा बेड कैसे बनाया, मतलब आपको उसके बारे में वीडियो देखनी है तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। हाइड्रोलिक बेड होने वाला है पूरी तरीके से। और जो साइड में स्टील टेबल का साइज रखा हुआ है वो 18 इंच का साइज होने वाला है। और जो आपको इसके बेड के बिल्कुल केबिन से आप बना सकते हो, उसमें आपको अच्छा व्यूज आ जाएगा। इसमें जो 6-6 इंच के ड्रॉ बनाई हुई है, इसमें भी आपको अंदर लेमिनेट का इस्तेमाल किया हुआ है और ग्रे और वाइट का इस्तेमाल है। अगर आपको अंदर इसमें आपको 6 इंच का मिल जाएंगे और यहाँ से आपको 8 या 9 इंच रखना है और साइड में आपको ये कितना 2 इंच अच्छा ही या आपको हिसाब से 6 फुट हाइट रखनी है, मतलब यहाँ से ऊपर। ये 7 फुट का डिजाइन है जो आपको बीच में दो मिल जाएगी। इसका जो फुल डिजाइन है वो इस हिसाब से आपको मिलने वाला है। गद्दा इस पर 8 इंच का आपको मिल जाएगा और इसके साइड में बिल्कुल दोनों साइड में सेम डिजाइन होने वाला है। और यहाँ पर आपको मिनी ड्रेसिंग मिलने वाला है, यहाँ पर भी शीशा लगना बाकी है। नीचे आपको इसका कम जगह की वजह से आप हिसाब से बना सकते हैं, इसमें आप ड्रो नहीं बना सकते, हिसाब से हमने पल्ला बनाया हुआ है। आप इसमें काफ़ी सामान आ सकता है। बाकी इसमें बैठने के लिए इसमें अभी कुशन लगना बाकी है, इस हिसाब से आप कर सकते हो। ये इसमें काफ़ी जगह है, यहाँ पे आ जाएगा, इधर साइड में आपका डस्टबिन वगैरह आ जाएगा। इसमें सेम 1 इंच के 2 ड्रो बनी हुई है। इसका भी साइज वही रहने वाला है 18 इंच। आप 18 से 16 इंच के बीच में बना सकते हो। बात करते हैं अगर हम स्लाइडिंग अलमारी की, इसका जो साइज होने वाला है, इसके हाइट 8 फुट होने वाली है और चौड़ाई 7 फुट होने वाली है। दो आपको ग्रे और वाइट का इस्तेमाल है, उसमें गोल्डन पट्टी और रोज गोल्डन पट्टी लगी हुई है। अगर आपको इसकी भी वीडियो देखनी है कैसे लगाई जाती है, वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और बात करते हैं अंदर के, अंदर जो साइज रहने वाला है आपको इस हिसाब से मिलने वाला है। स्लेटिंग अलमारी 2 पार्ट में बनती है। आपको सबसे पहले मिल जाएगा साइड में 14 इंच रखाना, इसको आप अपनी जगह के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। ऊपर आपको टेची या कंबल वगैरह के लिए मिल जाएगा, या 12-14 इंच आपको जगह रखनी चाहिए। हाइट अलमारी की 8 फीट के हिसाब से आपको जगह काफ़ी मिल रही है। डबल खाना मिल जाएगा और ये आपको हैंगर के लिए मिल जाएगा, इसमें काफ़ी सी जगह रखनी है। आपको 45 इंच की जगह होनी चाहिए, नीचे आपको ये मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरे खाने की, ये आपका जेंट्स खाना होने वाला है। इसमें आपको डबल स्पेस मिल जाएगी, जैसे आपको अटैची वगैरह कंबल वगैरह रखनी है तो आप फालतू सामान इसमें ऊपर रख सकते हो। इसमें बड़ा जो हैंगर का खाना है वो बड़ा मिलने वाला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका सामान आ जाएगा। उसके नीचे सेम बिल्कुल 5-5.5 इंच का आपको ड्रो मिल जाएगी। ड्रो का काफ़ी फायदा होता है, आप इसमें काफ़ी सामान रख सकते हो। फुल लॉकिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, आप इसमें लॉक वगैरह भी लगा सकते हो। आपको जो जगह मिलने वाली है आप इस हिसाब से अपने साइज के हिसाब से रख सकते हो। और नीचे आपको 7 इंच के ड्रॉ मिलने वाली है, इसमें आप शो वगैरह रख सकते हो या आपको 3 ड्रॉ मिल जाएगी। अगर आपको इनका भी साइज छोटा बड़ा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, या आपको कंप्लीट मिल जाएगी।
और जो अलमारी की आपको गहराई बनानी है वो आपको 25-25 इंची के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि 3.5 इंची आपको जो पल्लों का छोड़ना है वो रहता है, इस वजह से आपको अंदर की अलमारी का साइज 22 इंची 23 इंची के आसपास मिल जाएगा। साइड में भी हिसाब से है, अगर आपको छत का जो डिज़ाइन है वो छत में कुछ हिसाब से पीओपी हुई है, इसमें जो भी अभी छत में काम थोड़ा होना बाकी है, फाइनल वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको बेडरूम अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इसकी जो फाइनल वीडियो भी लेकर जरूर आऊँगा। स्लेटिंग अलमारी।